देखा है दोस्तों, इसके साथ अगर कोई और उस्तादियां करते, हम तोड़ फोड़ करते रहते तो ये खराब हो जाती। ट्रैगर रूप काम नहीं कर रहा। इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो उसको, चूंकि हमने गन को खोलना है, खोलने के लिए आप ये करें इसको ऐसे कर लें, क्योंकि इसमें पैलेट भी डाला हुआ है और ये पीछे काक हो गई है, तो आप इसको अगर हम फेयर कर देंगे तो बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। इस हालत में ऑटोमेटिक फेयर हो जाए तो नुकसान हो सकता है, लिहाजा इसको हाफ खोल लें। आप इस तरह खोलने के बाद फिर आप खोलना शुरू करें इसको, ताकि आप उसके नक्स तक पहुंच सकें। तो प्यारे दोस्तों, इस ट्रैगर के काम न करने की वजह देखते हैं, इसके नक्स देखते हैं, इसको खोलते हैं कि ये क्यों फेयर नहीं कर रहा था ट्रैगर रूप, क्योंकि इसकी हर एक चीज़ चेक कर ली है कि इसके लीवर इसको प्रेस कर रही है मुकम्मल तरीके से, ये काक भी हो रही है, फिर फेयर नहीं हो रही है। फेयर न होने की वजह देखते हैं, इसको खोल कर देखते हैं ये चीज़। लीवर तो टेढ़ी है, ये बहुत टेढ़ी हुई है, देख रहे हैं दोस्तों इसमें टेढ़ापन आ गया है ये चीज़। ठीक हो गई, ट्रिगर निकाल दिया, अब ट्रिगर की एडजस्टमेंट सारी हिली हुई है, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। इनको पहले हम फुली लूज कर लेते हैं दोनों को, ये इधर से नज़र ना आ रहे हैं, फिर हम देखेंगे कि ये किस तरह काम करता है ये चीज़। पूरा इसको खोलने की बजाय कोशिश करें कि जल्द अज जल्द उस जगह पर पहुंचे। सबसे मुश्किल चीज़ होती है तशखीस, एक मर्ज का पकड़ना। अब इसका जो नक्स था वो हमने पकड़ लिया है, ढूंढने के बाद उसको ठीक करना, खुद ही बंदा सोच लेता है कि इसको इस लेवल पे होना चाहिए, ये ठीक काम करेगा। तो इसमें कभी बेची ये थी कि एक तो इसका पिन टेढ़ा हो गया था, दूसरा इसकी एडजस्टमेंट को छेड़ दिया गया था, वो गलत थी। ये दोनों इंशाल्लाह अभी ठीक करते हैं और बेहतरीन ये काम करेगी। ये बिल्कुल सीधी हो गई, इसको लगा लेते हैं। ज़्यादा प्ले है इसमें, इस प्ले को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन स्क्रू को टाइट करेंगे, ऊपर वाला ये इसको टाइट करेंगे, ये ज़्यादा ये देख लेंगे, इसकी वो प्ले हमने बहुत कम कर दी है, ये इतनी सी रह गई है। अब इंशाल्लाह ये ठीक काम करेगा। बंद कर दिया इसे दोस्तों, चेक करते हैं ये ठीक है। देखा है दोस्तों, इसके साथ अगर कोई और उस्तादियां करते, हम तोड़ फोड़ करते रहते तो ये ख़राब हो जाती। अब इसको चला के दिखाते हैं आपको, पहले इसको लॉक करके देखते हैं, ये लॉक है, अब इसको चलाते हैं, नहीं चल रही,
अब इसको सेफ्टी लॉक को आगे कर दिया तो अब चलाते हैं बेहतरीन है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी फिट हो गई है। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट में मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों के राय का बहुत ख्याल रखूँ। जिन दोस्तों ने बताया उनकी बातें भी बताऊँगा कि फ़लाँ फ़लाँ दोस्त ने ये बात बताई है, कुछ चेंजिंग्स के बारे में बताया। इंशाल्लाह मैं वो जब चेंजिंग लाऊंगा तो कहूंगा जी फलां भाई के हुक्म से मैं कर रहा हूं। तो दोस्तों आपकी उम्मीद है आप ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे और अपनी आरा से ज़रूर नवाजते रहेंगे। मुझे इंतज़ार रहेगा अगली मालूमाती वीडियो के लिए। तब के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।